आज हम सब नेता इस मंच पे खड़े हैं, आप हम पे भरोसा करते हैं कि जब हमारी सरकार बनती है हम आपके लिए काम करेंगे। आप अच्छी तरह जानते हैं, आप पब्लिक हैं, कि कितने नेता आते जाते हैं, क्या क्या नहीं बोलते, कैसे कैसे वादे करते हैं, लेकिन उन वादों को पूरे करने वाले नेता, उन वादों को पूरे करने वाली पार्टियां बहुत कम होती हैं। वोट देने के समय तो सब आ जाते हैं, लेने के समय, लेकिन काम करने के समय कौन कितना करता है, इसका मूल्यांकन आप पब्लिक के जो हैं भाई बहन सबसे अच्छी तरह से कर सकते हैं। देखिए, एक जगह की जो पहचान होती है वो तीन चीजों से होती है। उसकी संस्कृति को मान सम्मान मिलना चाहिए, लोगों को मान सम्मान मिलना चाहिए, और शासन सत्ता में जो है उनको आपकी आवाज को का मान सम्मान करना चाहिए। यही तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं। आपने सुना होगा ये नारा, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, सबले बढ़िया, सुना है? इस नारे में ही सब कुछ है। इस नारे में आपकी संस्कृति का मान सम्मान है, आपकी आवाज सुनाई देती है, और आप यहाँ के लोगों का मान सम्मान है। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किस तरह से एक जमाना था जब यहाँ आने से लोग डरते थे, हिंसा थी, भय था, और आज वही जगह वही बस्तर एक ब्रांड बन गया है। आपकी पहचान पूरे देश में नहीं, विदेश में भी है। मैंने यहाँ देखा आपकी हस्तकला को किस तरह से बढ़ावा दे दिया जा रहा है। मैंने देखा कि किस तरह से मिलेट के सब पदार्थ बनाए जा रहे हैं, किस तरह की पैकेजिंग हो रही है, और आपको मदद मिल रही है कि ये विदेश में भी जाए, पूरे देश भर में बेचा जाए। जहां आपको कम मिलता था उसी चीज के लिए, अब उस पैकेजिंग के साथ, सरकार की मदद के साथ, आज आपकी आमदनी बन रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।